क्या कुछ सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? अरे मैंने आपसे इतनी जरूरी बात कही और आपको सुनाई नहीं दिया, बोलो। सॉरी, मुझे वाकई कुछ सुनाई नहीं दिया, प्लीज फिर से कहो। ठीक है, अरे यार क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वही तो, आपको मेरी बात सुनाई नहीं देती, अगर सुनते तो ऐसे बैठे नहीं होते। एक बार फिर से कहती हूँ अनुज कपाड़िया जी, ध्यान से सुनिएगा। कुछ रिश्ते दोस्ती से ज्यादा नजर आ सकते हैं, पर वो होते दोस्ती ही है। समझ गया, थैंक यू समझाने के लिए। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मिस अनुपमा जोशी। कुछ रिश्ते दोस्ती नजर आ सकते हैं, पर होते दोस्ती से कहीं ज्यादा है। ओ, अगर कभी आप फिर से ये बात भूल गए तो मैं फिर से आपको याद दिला दूंगी। याद दिलाने के लिए मैं हूं ना? ऑफ कोर्स, सिर्फ तुम ही तो हो। दोनों कितने क्यूट है। ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में पुराने जमाने में लिखे हुए लव लेटर्स ये दोनों, गुलाबी कागज पे खूबसूरत हैंडराइटिंग के साथ, सबसे खूबसूरत लव लेटर्स। ये दोनों क्यूट कहीं के। बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए। मेरी मान को किसी की नजर ना लगे। रसगुल्ले, मुकू ये रसगुल्ले आपको खाने के लिए छोड़ गई है और आप अपने मुंह में गुस्से के रसगुल्ले भर के बैठे। लीजिए खाइए। सॉरी, तुम कहाँ खो कहाँ गई थी, क्या सोच रही थी? तुम फिर शुरू हो गई।
नहीं। अरे जो तुम बोलना चाह रही थी वो मैं समझ चुका हूँ। अभी बताओ तुम खो कहाँ गई थी, बात क्या है? मैं घर चल। ये हो क्या रहा है? कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही तो नहीं हो रहा? कान्हा जी प्लीज इस साल थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। पागल 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 छोकरी, या तो एक बार का बोल दे या तो फिर कंट्रोल करने। कुत्तो पागल है ही, उनको भी पागल कर देगी बेचारे अनुज। तूने मुक्कू के लिए अपने आप को रोका है ना, पर भाई बहन के बीच की दूरी तब तक कम नहीं होगी जब तक कुछ करना होगा।